दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मुंह में मौजूद ये घंटी जैसी क्या होती है? या फिर क्या आपने कभी 30 उंगलियों वाला इंसान देखा है? अच्छा, क्या आप जानते हैं कि एक दिन में मैगी के कितने पैकेट बिकते हैं? अगर नहीं जानते तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मुंह में मौजूद ये घंटी जैसी क्या है? क्या इसके सच में कुछ काम है या फिर ऐसे ही ये लटकती रहती है? दरअसल ये घंटी बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज है और इसका नाम उंगला होता है, जिसके एक नहीं बल्कि चार चार काम है। इसका पहला काम है सलाइवा जनरेट करना। मुंह में जो सलाइवा बनता है वो इसी की वजह से बनता है। दूसरी चीज ये कि ये हमारी मदद खाना खाने में करता है। आप जब खाना खाते हैं तो आपका खाना नेजल पाइप में भी जा सकता है, पर ये खाने को नाक में जाने से रोकता है और खाने को सलाइवा से मिलाता है ताकि डाइजेशन में आसानी हो सके। इसका तीसरा काम होता है कि ये बोलने में भी मदद करता है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक बोलते हैं तब हमारा मुंह सूखने लगता है। इसी वजह से ये कॉन्स्टेंटली सलाइवा बनाता रहता है ताकि हम स्मूथली किसी भी चीज को बोल सके। और इसका आखिरी और सबसे फालतू काम है खराटे लेना। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर किसी भी इंसान के हाथों या पैरों में 5 से 6 उंगलियां देखी होंगी, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के हाथ पैर में 30 उंगलियां देखी हैं? हम बता रहे हैं आपको एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसके हाथ और पैर में 30 उंगलियां हैं। ये यकीन कर पाना शायद आपके लिए भी मुश्किल है, पर ऐसा सच में है। इस बच्चे का नाम अक्षत सक्सेना है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग ये एक डिसऑर्डर से जूझ रहा है जिसे पॉलीडाइसली नाम से जाना जाता है। और कुछ सालों पहले अक्षत के जैसे ही चीन में एक बच्चे ने 31 उंगलियों के साथ जन्म लिया था। इसके इतने उंगलियों की वजह से इसके चलने, दौड़ने, जूते पहनने और भी बहुत सारी चीजों को करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चीन का वो बच्चा अब 7 साल का हुआ तो डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन कर उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। अब यही उम्मीद अक्षत के लिए भी लगाई जा रही है ताकि वो भी जल्द ही बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल हो जाए और अपनी जिंदगी खुल के जी पाए। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, मैगी आज के इंडिया में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फूड आइटम है। मैगी हर किसी को बेहद पसंद होती है क्योंकि टेस्ट के साथ साथ ये बनने में भी बहुत कम वक्त लेती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक दिन में मैगी की कितनी खपत होती है और इसके कितने पैकेट बाजार में बिकते हैं? क्यों, आप भी सोच में पड़ गए ना? आइए हम आपको बताते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि एक दिन में मैगी के 120 मिलियन से भी ज्यादा पैकेट बिक जाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि जितनी देर में मैंने आपको ये फैक्ट बताया है उतनी देर में अब तक 5000 से भी ज्यादा मैगी के पैकेट बिक चुके होंगे। फैक्ट नंबर 7, किसी भी चिड़िया के बच्चे को हवा की जरूरत होती है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि बिना हवा के चूजे यानी कि चिड़िया के बच्चे अंडे में जिंदा कैसे रहते हैं? नहीं तो चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल चूजे के जिंदा रहने के कारण खुद यही अंडे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या इसमें कोई पावर है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। असल में अगर अंडे की परत को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, बिल्कुल इस तरह। ये होल्स अंडे के अंदरूनी परत से जुड़े होते हैं और इन्हीं की बदौलत चूजे अंदर सांस भी ले पाते हैं और जिंदा भी रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, केला तो सभी ने देखा है और कभी ना कभी आप लोगों ने इसे खाया भी होगा। केले का रंग वैसे तो पीला होता है, लेकिन क्या आपने कभी लाल केला देखा या खाया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल रेड बनाना तमिलनाडु में पाया जाता है और ये हेल्थ के लिए येलो बनाना के कंपैरिजन में ज्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज्यादा पाई जाती है जो कि स्टोन जैसी बीमारियों से आपको बचाने में मदद करता है। और साथ ही इसे लोग वजन को कम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, अगर आप भी फोटो खिंचवाने के शौकीन हैं और अगर आपको भी अपनी यादों को फोटोज में संजोना अच्छा लगता है तो ये फैक्ट आपके लिए है। दरअसल जापान दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ जगह जगह पर ये फोटो बूथ वेंडिंग मशीन्स मौजूद होती हैं। वैसे तो किसी भी बूथ में फोटो खिंचवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जापान ने फोटो बूथ को कुछ ज्यादा ही यूनिक बनाया है। वहाँ के इन बूथ्स को पुरिकुरा फोटो बूथ्स के नाम से जाना जाता है, जो आपको इंस्टेंट फोटोज एडिट करने की अनुमति देती है और आप इस फोटो में स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद बड़ी ही आसानी से उन फोटोज को आप अपने फोन में भी भेज सकते हैं। और इतना ही नहीं, प्रिंट आउट के जरिए आप इस फोटो को अपने घर भी ले जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को जानते हैं जो हाई टेम्परेचर को सह सकता है? जी हाँ,
साल 1970 से 1980 तक केमिस्ट मॉरिस वार्ड ने स्टारलाइट नाम का एक सब्सटेंस बनाया था जो हाई से हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता था। 1990 में टुमारोज वर्ल्ड नाम के एक शो में स्टारलाइट के तापमान सहने की कैपेसिटी को प्रेजेंट भी किया गया था। स्टारलाइट की सबसे बड़ी खास बात ये थी कि इसमें से किसी भी तरह के खतरनाक टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस होते। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्टारलाइट 10,000 डिग्री से भी ज्यादा तापमान सहने की कैपेसिटी रखता था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये सब्सटेंस अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि मॉरिस वार्ड ने उस सब्सटेंस को बनाने का फॉर्मूला किसी को भी नहीं बताया और फिर उनकी डेथ हो गई। लेकिन सोचने की बात है, अगर ये इन्वेंशन आज के समय में होती तो किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट से बचने के लिए ये बिल्डिंग मटेरियल बिल्कुल सही होता। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों बारिश किसे पसंद नहीं होती, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तो आप भी जानते होंगे। लेकिन क्या आप किसी ऐसे डिवाइस के बारे में जानते हैं जिससे आर्टिफिशियल बारिश करवाना पॉसिबल हो? आपको जानकर हैरानी होगी कि क्लाउड बस्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से आर्टिफिशियली बारिश करवाना भी संभव था। इस डिवाइस को ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट विल्हेम रिच ने बनाया था। उनके अकॉर्डिंग इस डिवाइस से बारिश करवाने के लिए पहले इस डिवाइस को आसमान की एक निर्दिष्ट दिशा की ओर फोकस करना पड़ता था। उसके बाद इस डिवाइस को इस्तेमाल करके एटमॉस्फेयर में मौजूद एनर्जी को मैनिपुलेट करके आर्टिफिशियली बादल जनरेट किए जा सकते थे और उसके बाद बारिश होती थी। 6 जुलाई 1993 में पहली बार बारिश के इस डिवाइस को यूज किया गया और बारिश करवाई गई। जिस इलाके में इसे इस्तेमाल किया गया वहाँ बारिश हुई भी, मगर इस टाइप के इन्वेंशन को फ्रॉड बोल के रिच को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में ही रिच की मौत भी हो गई। दोस्तों अगर आज के समय में ये डिवाइस होता तो कितना सही होता, कोई भी किसान सूखे जैसी परेशानियों का सामना नहीं करता, क्यों? फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया में कई तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं जो अलग अलग खासियतों से निपुण हैं। किसी के फल मीठे होते हैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन हम जो पेड़ के बारे में आपको अब बताने जा रहे हैं उसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसका फल पकने के बाद बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करता है और जब ये फटता है तो इसके अंदर मौजूद बीज 257 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल करता हुआ कई दूर तक जाता है। इस पेड़ का नाम है पॉसम बुल। दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई भी और फल नहीं है जो पेड़ पर बॉम्ब की तरह फटता हो। फैक्ट नंबर 1, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये बात है साल 1993 की। मेक्सिको के एक जू ओनर ने एक गोरिल्ले को खरीदा था और उन्हें फिर जेल हो गई थी, क्योंकि वो असल में गोरिल्ला नहीं एक FBI एजेंट था जो गोरिल्ला सूट में था। ह्यूमंस को खरीदना पनिशेबल एक्ट होता है और उस व्यक्ति ने इनडायरेक्टली एक ह्यूमन को खरीदा, इसी वजह से उसे जेल हो गई। हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज के सभी फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।